आप सभी का स्वागत है ईआरएस पुजकेशन में। लेफ्ट रेटर कराने को लेकर अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटियों की तरफ से परीक्षा फॉर्म भराने को लेकर पहले भी नोटिस जारी किए गए थे और अभी कॉलेज यूनिवर्सिटियों की तरफ से जो नोटिस है वो जारी किया जा रहा है। तो यहाँ पे जिन यूनिवर्सिटियों की तरफ से नोटिस जारी किया गया उसके बारे में आपको बताएंगे। इसके साथ ही जिन भी कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके परीक्षा फॉर्म भरवा लिए गए हैं तो कब आपके प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे इसको लेकर भी सारी बातें करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देखें जो कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया विश्वविद्यालय की तरफ से प्रैक्टिकल कराने को लेकर यहाँ पे जो नोटिस है वो जारी किया गया है कि सत्र 2023-24 के विषम सेमेस्टर में प्रवेशित ऐसे छात्र छात्राएं जो प्रायोगिक या मौखिक परीक्षा में अनुपस्थित या अनुत्तीर्ण है ऐसे छात्र छात्राओं के परीक्षा फॉर्म भरा कर प्रायोगिक मौखिक संपन्न कराए जाने हेतु लॉगिन दिनांक 27 दिसंबर 2023 से 5 जनवरी 2024 तक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए लॉगिन खोली जा रही है। अतः समस्त संबंधित छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वह अपनी छोटी हुई प्रायोगिक मौखिक परीक्षा हेतु उक्त तिथि के भीतर अंतिम अवसर के रूप में परीक्षा फॉर्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर पूरित कराना सुनिश्चित करें। यहाँ पे अगर आपके प्रैक्टिकल छूट गए हैं या फिर आपको प्रैक्टिकल में उतने पासिंग नंबर नहीं मिले हैं जितने पासिंग नंबर आपको चाहिए होते हैं तो फिर कॉलेज यूनिवर्सिटियों की तरफ से आपके लिए प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर्म जारी किए जाते हैं। फिर आप उसे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद से जब आपके प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे जो कि अभी अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपके सेमेस्टर के एग्जाम करवाए गए हैं, एग्जाम होने के बाद से भी आपके प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे। तो जब आपके प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे उसी प्रैक्टिकल में आपके जो लेफ्ट प्रैक्टिकल के भी प्रैक्टिकल होते हैं वो उसी टाइम पे करवा लिया जाता है। कई सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज का अलग रूल होता है कि ऑड के प्रैक्टिकल ऑड में करवाए जाते हैं, इवन के प्रैक्टिकल इवन में करवाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे जारी किया गया कि विषम सेमेस्टर में जितने भी छात्र छात्राएं होंगे और इनके अगर प्रायोगिक और मौखिक की परीक्षा छूटी हुई है तो उसके लिए फॉर्म अप्लाई करें। इसी तरीके से अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटियों की तरफ से नोटिस जारी किया जाता है। फिर आपके लेफ्ट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो आपके प्रैक्टिकल हैं वो करवाए जाते हैं। तो अगर आपकी किसी भी कारणवश आपका प्रैक्टिकल छूट गया या फिर आपको पासिंग नंबर नहीं मिला तो आपके कॉलेज यूनिवर्सिटियों की तरफ से अगर अभी नोटिस जारी कर दिया गया तो उम्मीद करते हैं कि आपने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को अप्लाई कर दिया होगा। और जिन भी कॉलेज यूनिवर्सिटियों की तरफ से अभी नोटिस जारी किया जा रहा है तो बिल्कुल टाइम रहते अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। और जब भी आपके प्रैक्टिकल कराने को लेकर नोटिस जारी किया जाएगा उसी प्रैक्टिकल में जो आपके लेफ्ट प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन है वो करवाए जाएंगे, तो इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी अपडेट होगा हमेशा हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें।